भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का वीडियो प्रैक्टिकल और ज्ञानवर्धक दोनों है। विषय है कि योनि मुद्रा या महायोनि मुद्रा से जो भगवती की पूजा होती है वो क्यों होती है, पहला विषय। दूसरा कि मुद्रा होता क्यों है, हर देवी देवता के लिए अलग अलग मुद्राओं का हम प्रयोग करते हैं और हर गुरु परिवार में अलग अलग मुद्रा होता है पूजा के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि भगवती को किस मुद्रा से पूजा करनी चाहिए और उस मुद्रा का मतलब क्या है। सबसे पहले यह समझने का बात है कि मुद्रा का मतलब होता है बंध, मतलब किसी चीज को बांध देना और अपने किसी वाइटल को, अपने किसी सेंस को या अपने किसी नेचर को बांध के देवी या देवता के सामने समर्पित करने को मुद्रा कहते हैं। जैसे गायत्री का 24 मुद्रा है, वो अलग अलग मुद्रा है, उसको देखने से भगवती प्रसन्न होती है। लेकिन जब आप योनि महायोनि या लिंग मुद्रा की बात करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका मतलब है कि आप अपने किसी गुण को भगवती के सामने बांध रहे हैं। जैसे आप जब माथा टेकते हैं तो दोनों हाथ पीछे रखते हैं। तो क्यों रखते हैं दोनों हाथ पीछे? आप दोनों हाथ पीछे इसलिए रखते हैं क्योंकि आप अपने शक्ति को उनके सामने निम्न दिखाते हैं और अपने शक्ति को उनके सामने गिव अप कर देते हैं, इसलिए दोनों हाथ पीछे रख के उसके बाद माथा टेका जाता है। अगर आप सामने रख के, सामने हाथ करके माथा टेकते हैं तो वो गलत विधान है। तो कुछ एक जो तरीका है भगवती को प्रणाम का, एक तो ये पुष्प मुद्रा होता है भगवती का कि ये दोनों हाथ लेकर के ऐसे हम बांधते हैं, ठीक है, और ऐसे कर लेते हैं और ये जो अपना लिटिल फिंगर है इससे पुष्प को पकड़ा जाता है और भगवती को समर्पित किया जाता है, इसको कहते हैं पुष्प मुद्रा, ठीक है। महायोनि मुद्रा मैंने बताया आप लोगों को। महादेव की पूजा करने में लिंग मुद्रा होता है, महादेव को पूजा करने के लिए एक और मुद्रा होता है ये, या ऐसे भी बहुत लोग उसको करते हैं, ये लिंग मुद्रा हो। लेकिन जिस मुद्रा पे आज हम लोग मुख्य बात करने वाले हैं वो भगवती का योनि मुद्रा है। तो योनि मुद्रा कैसे करते हैं हम लोग? ये दोनों हाथ है अपने, ठीक है, इंडेक्स से दूसरे हाथ के लिटिल फिंगर को पकड़ेंगे और वही काम इस हाथ के इंडेक्स से दूसरे हाथ के लिटिल फिंगर को पकड़ेंगे। जो मिडिल फिंगर है उसको फ्री रखते हैं हम लोग, ठीक है, और जो लिटिल फिंगर है उसको यहां रख के उसका थंब से दबा देते हैं। तो ये हमारा एक मुद्रा बनता है ऐसे। तो ये हुआ कामाख्या वरदा देवी नील पर्वत वासिनी टंग देवी जगन्ना माता योनि मुद्रा नमोस्तुते, ठीक है। फिर से देखिए, इस उंगली से इस हाथ के रिंग फिंगर को पकड़ेंगे और ऐसे दूसरे उंगली के रिंग फिंगर को हम इंडेक्स से पकड़ेंगे। ये जो मिडिल फिंगर है इसको फ्री रखते हैं, लेफ्ट फिंगर दोनों जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, और उसको फिर थंब से पीछे की तरफ दाबते हैं। तो ये अपना एक मुद्रा बनता है, ऐसे भगवती को ऐसे प्रणाम किया जाता है। तो विषय है कि ये ऐसी मुद्रा हम क्यों बनाते हैं, क्या मतलब है ऐसे मुद्रा बनाने का? तो समझो, हमेशा मुद्राओं से हम किसी ना किसी बंध के विषय में बात करते हैं। जैसे अपना ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ में ये अग्नि है, पंच महाभूत का समझिए अगर, तो ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है और ये जल है। तो जब हम योनि मुद्रा बनाते हैं तो हम पृथ्वी तत्व को जो है वो वायु तत्व से पकड़ते हैं, ठीक है, आकाश तत्व को हम छोड़ देते हैं और जल तत्व को अग्नि से दाबते हैं, ठीक है, ये योनि मुद्रा हुआ। तो कहने का विषय ये है कि जो आकाश तत्व है वो हमेशा फ्री रहता है, ठीक है, और बाकी जो पृथ्वी
और वायु है वो एक दूसरे का उलट है, जल और अग्नि है वो एक दूसरे का अलग है। मतलब जो शिव शक्ति का जो कंसेप्ट है अपोजिट का, वो हम लोग योनि मुद्रा से करते हैं। इसका और भी कई एक विश्लेषण है। जो हमारा रिंग फिंगर है, जिसमें आप एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, इसको इसलिए पहना जाता है क्योंकि ये रूट चक्र को दर्शाता है। रूट चक्र का मतलब होता है कि आपका जो जमीन से जुड़ाव है, जो मैटेरियलिस्टिक जीवन से जुड़ाव है, वो इस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो जब आप मैटेरियलिस्टिक चीजों में पड़ते हैं तो आप बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, आप सिर्फ अपने लिए, अपना परिवार के लिए सोचते हैं। लेकिन जो ये इंडेक्स फिंगर है, ये हार्ट चक्र है। ठीक है, हार्ट चक्र का मतलब होता है कि जो जीवन में प्यार है, जो दुनिया में प्यार है, जो आपके आसपास जो आनंद का भाव है, वो ये उंगली दर्शाता है। ठीक है, तो जब आप इससे हार्ट चक्र से जब आप रूट चक्र को पकड़ते हैं, तो एक बैलेंस क्रिएट होता है आपके मैटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में, या फिर आपके सेल्फिश जीवन में और आपके जीवन में जो और प्यार है। दूसरा, ये जब आप लिटिल फिंगर को थम से दाबते हैं, तो लिटिल फिंगर मणिपुर चक्र होता है। ठीक है, और थम जो है वो अनाहत होता है। ठीक है, तो लिटिल इस फिंगर का मतलब है ये आप खुद से कितना प्यार करते हो। ठीक है, और इस थम का मतलब होता है चक्र के हिसाब से कि आप अपने आसपास के लोगों से कितना प्रेम करते हो। तो अपने आप को कम प्रेम करते हुए, प्रेम करते हुए लेकिन कम प्रेम करते हुए, और दूसरों को भी प्रेम करना सिखाता है ये मुद्रा। ठीक है, तो आप खुद से प्यार को थोड़ा दाबते हो ताकि जो बाहर जा रहा है और लोगों से जो आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, वो कनेक्ट कर पाते हो। और ये जो मिडिल फिंगर बचता है योनि मुद्रा में, चक्र के हिसाब से ये कम्युनिकेशन का है। मतलब आप और लोगों से संवाद कर सको, इसको हमेशा फ्री छोड़ा जाता है। जिस तरीके से आप जब पांच महाभूत के हिसाब से इसको सोचते हो, तो आकाश को फ्री छोड़ा जाता है। ठीक है, एक अंतिम इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो क्या होता है कि हर चक्र जो है आपका एक पर्सनालिटी ट्रेट बताता है, क्योंकि हर चक्र का एक ग्रह स्वामी होता है। जैसे इसका मरकरी है, इसका अपोलो है, इसका सैटर्न है, इसका जुपिटर है, और इसका मार्स। मतलब जुपिटर है तो ये बुद्धि है, बुद्धि है मतलब आपको ईगो है, मतलब जिसको ज्ञान होता है उसको सबसे पहला चीज होता है वो ईगो आता है। ठीक है, और ये अपोलो है, अपोलो का मतलब है कि आपका खुद को, खुद पर विश्वास, आपके दूसरे लोगों पर क्या कहते हैं संबंध। ठीक है, और आप खुद को देखिए, आज के जीवन में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि लोगों को खुद पे विश्वास नहीं है। ठीक है, ये उंगली उसी को दर्शाता है, और ये बुद्धि है, ईगो है। आप जब जाप करते हैं तो जाप में इस उंगली को बाहर रखते हैं। हम क्यों इस उंगली को बाहर रखते हैं? क्योंकि ये बुद्धि दर्शाता है, ये आपका ईगो दर्शाता है कि मैं हूं। ठीक है, तो वो उस मैं को जब हम जाप करते हैं ना, तो उसको बाहर रखते हैं। और तब आप जाप करते हैं, चाहे तो आप ऐसे जाप करो या फिर ऐसे जाप करो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे हाथ पकड़ते हैं भगवती का जाप, ऐसे करते हैं, लेकिन ईगो को हम हमेशा बाहर रखते हैं। तो जब हम बंधन करते हैं, तो हम अपने बुद्धि से खुद को और अपने दूसरे लोगों से जो व्यवहार है उसको साथ में बांधते हैं। ठीक है, ग्रह दोष, ग्रह के हिसाब से ये जो है ये कम्युनिकेशन की उंगली हो जाती है, क्योंकि ये मरकरी है। ठीक है, और जब ये कम्युनिकेशन की उंगली हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये उंगली ये दर्शाएगा कि आप जीवन में क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ठीक है, और ये क्योंकि मार्स की उंगली है, इसका मतलब ये होता है कि आप पृथ्वी से जुड़े हुए जो भी क्रिएटिविटी की काम करते हो, कैसे करोगे, नहीं करोगे, ये इस पर डिपेंड करता है। तो जब आप योनि मुद्रा बनाते हो, तो पहले तो आप अपने ईगो और अपना जो संबंध है दूसरे को, दोनों में बंदिश डालते हो, मतलब उसमें एक बैलेंस बन जाए। ठीक है, और जब आप लिटिल फिंगर को थम से दाबते हो, तो ये अपना कम्युनिकेशन स्किल और आपकी क्या औकात है उसको बैलेंस करते हो। ठीक है, आपका क्या पोटेंशियल है और आप
दुनिया में क्या कर सकते हो, इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हो। और जब आप मिडिल फिंगर को फ्री छोड़ते हो तो ये, क्योंकि सैटर्न का है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाता है, मतलब आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, इसको हमेशा फ्री रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग तरीका है जिससे कि आप समझिएगा कि योनि मुद्रा ही क्यों भगवती के सामने बनाया जाता है, क्योंकि ये महामाया है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और जब आप योनि मुद्रा बनाते हैं तो आप अपने जीवन के अलग अलग एलिमेंट्स को बैलेंस करके भगवती को दिखाते हैं कि देखो मैं इन सब चीजों को आपके सामने समर्पित करता हूं। ठीक है, तो ये देखो, फिर से देख लो, ये इंडेक्स है, ये लिटिल फिंगर है दूसरे हाथ का, ये ऐसे पकड़ा है इसको। ठीक है, इस हाथ के लिटिल फिंगर को मिडिल फिंगर के पीछे से ले जाकर के फिर इंडेक्स फिंगर से पकड़ा, मिडिल फिंगर दोनों जोड़ दिया हमने, उसके बाद ये लिटिल फिंगर दोनों जोड़ा हमने और थंब से इसको दाब दिया, तो ये हो गया योनि मुद्रा। कामाख्या वरदा देवी नील पर्वत वासिनी टंग देवी जगन्ना माता योनि मुद्रा नमोस्तुते। भगवती को प्रणाम कर लो। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है, आसन बंधन शुरुआती भैरव मंत्र, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए वेबसाइट है www.अघोरतंत्रहस्य.com, ये बदल गया है। और डायरेक्ट फ़ोन पे बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उसमें मुझसे बात कर सकते हैं। माँ भगवती देवी काली आप लोगों को हमेशा सुरक्षित रखे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अला खारिज।